नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कथा जिले के लखीमपुर नगर पालिका कार्यालय में कांग्रेस राजनेताओं की तस्वीर हटाए जाने को लेकर पूर्व नेत्री संगीता गुरुंग को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। ऐसे वारदात को अंजाम दिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखी गई क्षोभ की स्थिति। कछार जिले के छोटा दूध पातिल गनियाला फेरीघाट क्षेत्र में फेरी परिसेवा बेहाल होने पर लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। लेसी को बदलाए जाने का आवासीय क्षेत्र के लोग कर रहे हैं मांग। सीमांत जिला करीमगंज के कई क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए की भूमि केलेंकारी के प्रमुख नायक तथा उप उपायुक्त नवारुण भट्टाचार्य को पुलिस ने लिया 2 दिन के रिमांड में, चल रही है कानूनी कार्रवाई। राज्य के लामनिंग क्षेत्र में गीता रानी मंडल नाम की एक ग्राहक के घर में 1,29,599 रुपए के बिजली के बिल आने पर देखी गई क्षोभ की स्थिति। कई लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय का किया घेराव। सिलचर के छत्री मंदिर सिविल अस्पताल में बच्चों की चिकित्सक न रहने पर लोगों में देखी जा रही क्षोभ की स्थिति। ध्रुव आचार्य नाम के एक व्यक्ति ने सदन में व्यक्त किया क्षोभ। कछार जिले के बोरखला विधानसभा केंद्र के बिहारा तेलीचौड़ा इलाके में करीब 1 महीने से बिजली परिसेवा ठप रहने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी का दौर। एसडीओ के साथ संपर्क करने के बाद भी नहीं मिला बिजली का संयोग। करीमगंज कछार बराक ब्रिज डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्र में ब्रिज बनाए जाने के लिए किया अपील। मालुआ राजा टीला व कई और क्षेत्र में दिखाए गए स्थान।